सेशन के लिए, तो आइए मैं दोबारा से भर देता हूँ। अब दोबारा से भरने के बाद हम यहाँ से राइट करेंगे, और जैसे राइट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं प्लीज़ वेट, और अभी हमारा पिन बदल जाए। दोस्तों, फ़ोनपे की UPI पिन हम कैसे चेंज करेंगे वही आज के इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, हमारे फ़ोन की UPI पिन बहुत सारे लोगों के पास शेयर हो जाती है, तो हम कैसे उस UPI पिन को ठीक करेंगे, दोबारा से हम कैसे बदलेंगे, जैसे किसी मित्र को पता चल गया, भाई बहन को पता चल गया UPI पिन, तो हमारे बैंक से कहीं कहीं वो लोग कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम लोग के मन में डर होता है, तो हम कैसे अपना UPI पिन चेंज करेंगे, यह पूरी नॉलेज पूरी जानकारी आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि फ़ोनपे के UPI पिन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे कैसे क्या करना है, और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप कर देंगे आप तो कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे, आपसे तो बाद में कमेंट करेंगे कि आपका ट्रिक कार्य नहीं किया, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट जंक्शन यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों, फ़ोनपे के UPI पिन को ना हम कैसे चेंज करते हैं आइए आपको बताते हैं, जानकारी अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं सबसे पहले फ़ोनपे ऐप को ओपन कर देता हूँ। जैसे फ़ोनपे ऐप को हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। अब कोने पर हमारा हो सकता है फ़ोटो आए या तो नाम का पहला अक्षर आए, हमको इसी पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने बैंक हम लिंक किए होंगे सभी बैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास जो बैंक लिंक हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, तो मैं मुझे यूको बैंक का जो UPI पिन है उसे ही बदलना है, तो मैं यूको बैंक पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आएगा UPI पिन। तो यदि आप UPI पिन को भूल चुके हैं तो आपको रीसेट पर क्लिक करके पिन बदलना होगा, और यदि आपको पुराना वाला पिन पता है और नया बनाना चाहते हैं तो आपको चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आइए मैं चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो अभी अभी आपका प्रेजेंट में पिन है आपके फ़ोन पे UPI का, वह वाला पिन डालना होगा। ठीक है, तो मैंने वह वाला पिन डाल दिया जो प्रेजेंट में है, इसे डाल के मैंने राइट किया। जैसे राइट किया तो फिर नया पेज आया। अब आपको जो नया वाला पिन बनाना है वह पिन 4 अंकों का या 6 अंकों का डालिए। यहाँ पे यदि 4 आ रहा है तो 4 डालिएगा, 6 अंकों का मांग रहा है तो 6 अंकों का डालिए। ठीक है, मैंने डाल दिया नया वाला पिन। नया वाला पिन डालने के बाद राइट करना है। जैसे राइट करेंगे वैसे दोबारा से भी एक बार बोलेगा वही पिन डालिए जो अभी आपने नया वाला जो बनाया उसको दोबारा से डालिए कन्फर्मेशन के लिए। तो आइए मैं दोबारा से भर देता हूँ। अब दोबारा से भरने के बाद हम यहाँ से राइट करेंगे, और जैसे राइट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं प्लीज़ वेट, और अभी हमारा पिन बदल जाएगा। मेरा पिन बदल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने पिन को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं फ़ोनपे के UPI पिन को। जानकारी प्यारी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।